हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। वो हमारी बात ही नहीं सुनते, घर के किसी काम में उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। चलिए हमारी हेल्प करना तो छोड़िए, वो अपना काम भी ठीक से नहीं कर सकते। बच्चों को लेकर जब भी हम बड़ों की कोई कॉन्वर्सेशन होती है तो यही होती है, इनकी क्लॉजेट देख लो, इनका रूम देख लो। हम सरप्राइज हो जाते हैं कि इस तरह इतने मेस में ये लोग पढ़ते और रहते कैसे हैं। बट इस तरह की कॉन्वर्सेशंस आप कितनी बार भी कर लें, रिज़ल्ट ज़ीरो ही रहेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। स्पेशली ऐसी कॉन्वर्सेशन जब हम बच्चों के सामने करते हैं तो कंडीशंस और भी वर्स्ट हो जाती हैं। इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए वी हैव टू टेक सम एक्शंस, बट एक्शंस इन अ पॉजिटिव वे। क्योंकि जब एक्शन हमारी तरफ से होगा तो सबसे पहले हमें खुद के बिहेवियर पे काम करना होगा। हम मानेंगे तो नहीं, लेकिन घर में बच्चों की इन्वॉल्वमेंट कम और ज़्यादा होने का रीज़न कहीं ना कहीं हम ही होते हैं। रीज़न्स कुछ भी हो, बट देखने में बुरा लगता है कि उनका रूम मैसी है। आपके बार बार कहने पे भी वो क्लीन नहीं करना चाहते। नो प्रॉब्लम, लीव इट एज इट इज़। खुद का टेंपर हाई करने की बजाय आप इसे पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं। ऐसे बहुत से सक्सेसफुल लोग हुए हैं जो अपनी लाइफ में तो बहुत मैसी रहे, बट वो बहुत शार्प माइंडेड और क्रिएटिव थे। सो जस्ट थिंक कि मेरा बच्चा भी मैसी तो है, बट हो सकता है इन फ्यूचर वो बहुत क्रिएटिव निकले। अपने थॉट्स को ही तो कन्वर्ट करना है, बस आपका इतना सोचना ही काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। बट मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप बच्चों को ऑर्गेनाइज रहने का लेसन देना बंद कर दें। बट यू शुड रिमेम्बर, नो वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट देन पीस, यानी कि घर का कोई भी काम घर में बनी हुई शांति से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाने के लिए अपनी पेशेंस ना खोएं। आपका एग्रेसिव बिहेवियर उनको कुछ भी सिखा नहीं पाएगा, बल्कि एग्रेशन और फोर्सफुली दिया गया कोई भी लेसन उनके अंदर उस चीज़ के लिए कोई इंटरेस्ट पैदा नहीं कर पाएगा। एक्चुअल में ये काम स्टार्ट होता है उनके बचपन से, जब उनकी एजुकेशन, उनके कंफर्ट और एंटरटेनमेंट का ख्याल रखते हुए हम ये भी सोचें कि इन सब चीज़ों के अलावा उन्हें लाइफ में वो सब भी करना पड़ सकता है जो आज हम कर रहे हैं। काम करने की हैबिट होगी तो मुश्किल नहीं लगेगा, अदरवाइज इन फ्यूचर वो भी परेशान और आप भी। मैं और मेरे बच्चे किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं हैं। मेरे काम करने की स्पीड ने मुझे ये कभी रियलाइज़ ही नहीं होने दिया कि मुझे बच्चों को भी घर के काम में इन्वॉल्व करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए, घर के कामों में उनके डिसइंटरेस्ट ने मुझे एक्शन लेने पे मजबूर किया, और थोड़े ही दिनों में मैंने जो चेंज देखा वो कमेंडेबल था। शुरुआत मैंने वीकेंड पे उनकी हेल्प लेने से की, फिर स्लोली स्लोली वीकडेज पे भी वो कुछ ना कुछ हेल्प करने लगे। सबसे पहले फाइंड आउट करें कि कौन से काम में आपका बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। यहाँ मैं घर से रिलेटेड किसी काम की बात कर रही हूँ। अब मान लीजिए बच्चे का घर के किसी भी काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, देन अपने बच्चे को आप चॉइसेस दे सकते हैं। टेल हिम टू चूज़ एनी वर्क जिसे वो सबसे ज़्यादा ईजी मानता है। याद रहे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, सो आपकी दी हुई चॉइसेस बहुत ही इजी होनी चाहिए, और बेटर होगा कि अगर आप स्टार्ट बच्चे के खुद के किसी काम से करें जो आज तक आप कर रहे थे। चूज़ कर लेने के बाद डोंट गिव हिम ऑर्डर कि जाओ इसे जाकर कंप्लीट करो। नो, दिस इज़ अ रॉन्ग वे। राइट वे है, आओ हम इसे करते हैं, और बच्चे के साथ मिलके काम को कंप्लीट करने से वो काम एक इंजॉयमेंट बन जाता है जिसमें पेरेंट और बच्चा दोनों एक ही पोजीशन पे होते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आप ऑर्डर देके काम करवाते हैं तो आप अपनी अथॉरिटी शो कर रहे हैं। पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप को फ्रेंडशिप में कभी कन्वर्ट नहीं होने देता। जब तक आपके रिलेशन में इमोशंस नहीं हैं, आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं है, आपके पेन और घर के काम से उनका कोई लेना देना नहीं रहेगा। हम अपने बच्चों को हर तरह का मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं जिनसे वो हैप्पी फील करें, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फ्री ऑफ कॉस्ट है उसे देने में कंजूसी कर जाते हैं, आई मीन टाइम। मैंने इस चीज़ की कमी उन्हें कभी महसूस नहीं होने दी। शायद यही रीज़न था जब घर के काम में उनकी इन्वॉल्वमेंट को लेके लॉजिकली मैंने उनसे बात की तो मुझे उनसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, लेकिन उतना काफ़ी नहीं था। कभी टायर्ड हैं, कभी होमवर्क ज़्यादा है, कभी मन नहीं है, तो कभी बाद में कर देंगे बोल बोल के मुझे बहुत बार टाला गया। बट मैंने गिव अप नहीं किया। वही टेक्निक कि चलो मिलके करते हैं ने सबसे ज़्यादा काम किया, जिससे धीरे धीरे उनको वो काम
काम करने की हैबिट होने लगी जिनको करने के बारे में वो कभी सोचते भी नहीं थे। कौन सा बच्चा कौन सा काम ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकता है ये भी फाइंड आउट करना हमारा ही काम है। मेरी बेटी को किचन में कोई इंटरेस्ट नहीं तो मैं उसे रोज़ कुकिंग करने के लिए फ़ोर्स करूँ तो हमारे रिलेशन्स तो ख़राब होंगे ही, साथ ही उस काम का रिजल्ट भी कोई खास अच्छा नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड बेटे को कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है, सो जब भी मुझे किचन में हेल्प चाहिए होती है तो मैं हमेशा उसे ही आवाज़ देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो हेल्प करेगा तो काम स्पीड से और परफेक्टली होगा। बट थोड़ा थोड़ा हर काम सबको आना चाहिए, किचन के बेसिक जैस्मिन जानती है और क्या पता इन फ्यूचर उसका भी इंटरेस्ट कुकिंग में जाग जाए। बट कोई भी काम बच्चों के साथ आपके रिलेशनशिप से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, सो जहाँ तक हो सके कूल एंड काम रहें ताकि आपके दिए गए हर लेसन का इफेक्ट लाइफ टाइम तक रहे। अब मान लीजिए कि हर तरह से कोशिश करके देख लिया बच्चा कुछ भी करने को तैयार ही नहीं है, तो भी अपना टेंपर लूज़ किए बिना उनकी आंखों में देखते हुए अपनी बात को तब तक कहते रहें जब तक वो एग्री ना हो जाए। बट रिमेंबर, आपके सेंटेंस में कोई टॉन्ट या एग्रेशन नज़र नहीं आना चाहिए। वो एग्रेसिव हो जाए नो प्रॉब्लम, उनकी बहुत सी चीज़ों का कंट्रोल आपके ही हाथ में है। सो थोड़ी देर एग्रेशन दिखाने के बाद उनको आपकी बात माननी ही पड़ेगी, लेकिन ये सिलसिला रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए ताकि बच्चा इसे अडेप्ट कर पाए। मेरी कही किसी भी बात पे आप बिलीव करें ना करें, लेकिन अब जो मैं कहने जा रही हूँ उसको तो आप मानेंगे ही। जब तक हमारा कोई भी काम ऑटोमेटिकली होता रहेगा तब तक हम खुद उसे करने की जहमत नहीं उठाएंगे। मुझे रोज़ पका पकाया खाना मिल जाए तो मैं किचन में जाने की कोशिश भी क्यों करूँ। सेम प्रिंसिपल बच्चों पे भी काम करता है, जब तक हम खुद उनके सारे काम करते रहेंगे तो उन्हें क्या ज़रूरत है किसी भी काम में अपना एफर्ट दिखाने की। जब हम अपना मन बना लेंगे कि उनका कितना भी इम्पॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट काम हो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब वो खुद ही लेंगे, हम करना बंद करेंगे तो ही वो करना स्टार्ट करेंगे। थोड़ी प्रॉब्लम तो उनको होगी ही और हो सकता है कि उनको प्रॉब्लम में देख के आपकी ममता फिर से जाग जाए, बट इस वक्त खुद पे आपका कंट्रोल और साइलेंटली सब कुछ वॉच करना आपके बच्चे को काफ़ी हद तक चेंज कर देगा और जल्दी ही आप देखेंगे कि वो अपना काम करने के साथ साथ आपकी हेल्प करने में भी आनाकानी नहीं करेगा। बच्चों का हमारी लाइफ में आना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं, जब वो पेन में होते हैं तो उनसे ज़्यादा दर्द हमें होता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्ट्रॉन्ग हों तो कुछ टाइम के लिए हमें अपनी पर्सनैलिटी चेंज भी करनी पड़े तो सोचे नहीं। बच्चों को लेसन देने के लिए अगर कभी कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लेने पड़े तो इट्स ओके। बच्चे के बिहेवियर और घर के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही अपने एक्शंस चूज़ करने चाहिए, बट आपके टेम्पर पे आपका कंट्रोल लूज़ नहीं होना चाहिए। आप किसी भी पर्सन को टोटली चेंज नहीं कर सकते, फिर चाहे वो आपका अपना बच्चा ही क्यों ना हो, क्योंकि 50% इफेक्ट अगर आपके जीन्स और एफर्ट्स का है तो 50% उनको वो बिहेवियर बाय नेचर मिला है, तो जो चीज़ बाय नेचर मिली है उसे आप चेंज नहीं कर सकते। जब हम बच्चों को रीजनिंग देते हुए उनसे बात करते हैं तो उनका इम्पैक्ट कहीं ज़्यादा होता है। बच्चे जितनी हेल्प भी कर पाएं उतना ठीक, जितना आपसे हो पाए आप करें, लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से आपका और आपके बच्चे का बॉन्ड वीक नहीं होना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपकी कुछ हेल्प तो कर पाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।